रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। इसकी खूबियों की चर्चा दूसरे देशों तक पहुंच गई है और वे इसे देखने आ रहे हैं। इस उपलब्धि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अचंभित किया है और उन्होंने स्वयं इसे देखने का फैसला किया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखते देखते अचानक फोकस में आ गई है। चार वर्ष पहले तक इसकी पहचान महज कोच की साज सज्जा करने वाले कारखाने के रूप में थी, लेकिन 2014 में सरकार जैसे ही इसे पब्लिक सेक्टर यूनिट का दर्जा दिया, इसके भाग्य खुल गए। मेक इन इंडिया के तहत न केवल यहां बड़े पैमाने पर निवेश की शुरुआत हुई, बल्कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री का नया नाम देकर इसे अत्याधुनिक कोच कारखाने का दर्जा देने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे बोर्ड के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के तहत MCF में 1-1 किलोमीटर लंबाई की 2 रोबोटिक प्रोडक्शन लाइनें स्थापित की गई हैं। इनमें 70 रोबोट कोच की बोगी से लेकर शेल तक का निर्माण ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। यह देश का पहला कोच कारखाना है जहां लगभग पूरा उत्पादन रोबोट के जरिए हो रहा है। भले ही इस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के समय में हुआ था, लेकिन सालों बाद भाजपा ने इस फैक्ट्री को संजीवनी दे दी है। यह संजीवनी रायबरेली के विकास का पहिया दौड़ाने के लिए एक अहम कड़ी साबित होने जा रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस फैक्ट्री को दिनों दिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया गया वह आगे बढ़ रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री में तैयार अत्याधुनिक ट्रेन के डिब्बे सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और मध्य पूर्व के कुछ देशों ने भारत से अत्याधुनिक ट्रेन के डिब्बे खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कई और देश भारत से मॉडर्न कोच आयात करवाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि मेक इन इंडिया के तहत रायबरेली की फैक्ट्री में बने डिब्बे देश विदेश तक भेजे जाएं, ताकि सिर्फ रायबरेली ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन हो।